हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक हमारा, तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, डिफाइन करना हमें 1 एम्पियर करंट को। 1 एम्पियर करंट को हमें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे देखो। हमने पढ़ा था फॉर्मूला करंट का, I = Q/T। ठीक है, तो ये चीज जो है 1 एम्पियर कब होगी, तो यदि हमारे पास Q की वैल्यू 1 कूलम और T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो करंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड इन ए वायर, देन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। ओके, तो ये स्टेटमेंट है कि किसी भी वायर में यदि करंट चार्ज आपका 1 कूलम फ्लो कर रहा है, समय जो है टाइम वो 1 सेकेंड, तो करंट हम क्या कहेंगे उसको 1 एम्पियर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मेटल का क्लासिफिकेशन कैसे, क्या क्या मेटल्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो हमारे पास से अभी हमने करंट की बात की थी कि करंट क्या होता है। तो करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कि चार्ज जब फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर तब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करे, करंट इजीली फ्लो करे। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, जितनी मेटल्स हैं मोस्टली, तो मेटल्स जो है वो सारी कंडक्टर होती है। तो मेटल्स के अंदर करंट फ्लो क्यों करता है, क्वेश्चन ये है। देखो, क्योंकि करंट फ्लो कब करता है, जब चार्ज फ्लो करता है। चार्ज मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि कंडक्टर है, वो कंडक्टर जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। So, they allow electricity. To pass through them. कि कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स, अब जैसे हमने ये देखा है कि हमारे पास कोई भी एटम होता है, उस एटम में कई सारे सेल्स, कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है
वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, दोज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं मेटल को, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और करंट जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो ये तो है आपके पास कंडक्टर्स की बात। दूसरे टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, सेकंड टाइप के मटेरियल्स कौन से हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं? सेकंड जो है इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर्स? देखो, दोज मटेरियल्स विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हैं? जैसे एग्जाम्पल है पेपर, कोई कागज, रबड़, प्लास्टिक, स्टोन, ड्राई वुड। इस तरीके से हमारे पास कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसलिए जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, उनके ऊपर हम रबड़ की एक इंसुलेटिंग वो लगाते हैं, है ना, रबड़ चढ़ा हुआ होता है, ताकि जो हमें है वो सोख ना लगे उसका करंट का। कोई पेपर है, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। इसके लिए आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बैटरी लीजिएगा एक वायर, और ये मेटल्स लीजिएगा, और एक बल्ब सर्किट बना के हम देखेंगे, तो उसको कनेक्ट करके देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो मेटेरियल्स हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, क्यों नहीं होने देते हैं, कारण क्या है इनका? तो इसका जो कारण दिया था हमने इसमें, कि जो कंडक्टर उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर्स डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे मतलब फ्री चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट फ्लो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? चार्ज। चार्ज का फ्लो ही करंट होता है, तो इनके अंदर जो है वो फ्री चार्ज नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते हैं। तो ये इंसुलेटिंग मेटेरियल्स होते हैं, इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। और एक थर्ड टाइप के मेटल्स और आते हैं, सेमीकंडक्टर। वैसे इन मेटल्स की हम स्टडी 12th क्लास में करते हैं, थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो मटेरियल्स होते हैं जो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं और कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी द मटेरियल्स विच बिहेव एज एन इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों, किस वजह से? तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स देखते हैं, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल इसके अंदर क्या है? इसके एग्जांपल हमारे पास हैं सिलिकन, जर्मेनियम, इटिस। ठीक है, तो बात आती है कि ये मटेरियल्स कब इंसुलेटर कब कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हम साइड में लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि जब इनका टेम्परेचर लो होता है तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हाई टेम्परेचर पर एज एन कंडक्टर, एज ए कंडक्टर। ओके, तो ये है, इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्टेटमेंट इसकी याद रख लेना, कुछ एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लिखे हैं। और लो टेम्परेचर होता है तब ये इंसुलेटर बन जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर। इनकी ज्यादा स्टडी हम 12th क्लास में करेंगे पूरी तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन। तो हमें मेन तो दो करने हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर्स। तो ये तीन तरह के मेटल्स होते हैं। एक मेटल और होता है जो हम आगे क्लासेज में भी पढ़ते हैं, सुपर कंडक्टर्स, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे इसके बारे में। तो ये तीन तरह के मेटेरियल्स हैं, तो इसको नोट कीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास एक बल्ब है, हमने एक बल्ब लिया, बल्ब ठीक है, एक हमने स्विच लिया, ये क्या है स्विच, इसको हम की बोल सकते हैं ठीक है। एक हमने यहाँ पे एक बैटरी ली और ये बैटरी से कनेक्ट कर दी ठीक। तो यहाँ पर ये जो है ये वायर्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ये तीन हमने कंपोनेंट्स इसमें लगाए हैं, एक बल्ब है, एक स्विच है, एक बैटरी है ठीक है। तो क्या यहां पर करंट फ्लो करेगा? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर अभी जो सर्किट है ये जो एक ओपन सर्किट है, ये जो हमने की बनाई यहां पर ये ओपन की है। अगर हम यहां पर इसको क्लोज कर दे, तो इसको हम अगर क्लोज कर देते हैं, तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्लोज करने पर क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, यहां से होता हुआ ये करंट सर्किट के अंदर इस तरीके से, और ये बल्ब जो आपका ग्लो करेगा, तो इसको हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चीजें हैं? तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या क्या है, कंटेनिंग सेल, स्विच, वायर्स, बल्ब, थ्रू विच एक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के बारे में, क्या करंट जो है वो हमेशा फ्लो करेगा एक क्लोज सर्किट में। अगर सर्किट कहीं से ओपन है, पूरा क्लोज नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट के फ्लो करने के लिए हमारे पास जो सर्किट होना चाहिए वो हमेशा क्लोज सर्किट होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है ये सर्किट जो अब इस टाइम क्लोज है, ये की जो है क्लोज है। अगर हम यहाँ से की को ओपन कर देते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो दो टाइप के हमारे पास सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट ठीक है। तो ओपन सर्किट में कैसे, जैसे हमने यहां पर एक बल्ब लिया, एक यहां पर एक की लगाई, एक बैटरी, और इस सर्किट को हमने यहां पे लिया। एक दूसरा सर्किट हमने लिया, इस सर्किट में हमने एक बल्ब लगाया, एक की, ये बैटरी, और ये सर्किट को हमने, तो इन दोनों सर्किट में क्या चीज है, इस सर्किट में यहां पर ये जो है ये पूरा रास्ता क्लोज नहीं है, यहां से क्या ये ओपन है, ओपन की है, और यहां ये जो है क्लोज की है, क्लोज की। तो इस केस में क्या होगा, यहां फर्स्ट केस में जो है कोई भी करंट, नो करंट फ्लो, इस केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा।
और इस वाले केस में क्या है, जैसे ही हम क्लोज कर देते हैं की को तो यहां से करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब जो है ग्लो करेगा, और यहां पर इस तरीके से ये करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो दो तरह के सर्किट होते हैं, अगर हमारे पास ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज सर्किट है तो करंट उसके अंदर फ्लो करेगा। तो सर्किट को क्लोज ओपन करने के लिए हम की यूज करते हैं, तो ओपन की का सिंबल है इस तरीके से हम बनाते हैं, और ये क्लोज की है तो उसमें हमने इस तरीके से सिंबल बनाया है। तो ये दो तरह के सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? देखो ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सर्किट इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या होता है देखो, जैसे हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स यूज हैं सर्किट डायग्राम के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जैसे हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में जो कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं, जैसे मान लो एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट हमने बनाया, एक सर्किट के अंदर हमने एक बल्ब लिया था, ठीक है, एक बल्ब लिया, एक हमने मान लो यहां पे की बनाई ओपन की है, एक यहां एक हमने सेल लगा दिया, कोई सेल या बैटरी लगा दी, जैसे हमने एक सेल लगा दी यहां पर, ये एक सेल, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसमें कंपोनेंट्स यूज किए हमने बल्ब की सेल, अब इन कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बनाकर हम डायग्राम, अब जैसे ये जो आपके पास कंपोनेंट्स इनके सिंबल्स होते हैं, जैसे बल्ब है, बल्ब को हम इसके एक सिंबल से नोट करते हैं, बल्ब का जो सिंबल है इस तरीके से, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है, की का जो सिंबल है आपके पास यही की का जो सिंबल हमने बनाया हुआ है, तो इस तरीके से ये जो की है ओपन की है, और सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल एक पॉजिटिव, बड़े वाला जो आपके पास ये लाइन है पॉजिटिव, और छोटे वाली नेगेटिव, सिंगल एक सेल का। बैटरी का अगर है तो हम इसको दो तीन तरीके से वो दिखा सकते हैं, बैटरी सिंबल हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे बल्ब है, बल्ब का सिंबल ये हो गया, की ये हो गया आपके पास, सेल, सेल का सिंबल ये, तो ये कंपोनेंट्स को हमने जो ऑर्डर हमने यहां पे ले रखा है उसी ऑर्डर में यहां पर बनाया हुआ है, तो ये जो है सभी कंपोनेंट्स को उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करके हमने ये जो बनाया है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, और ये जो है ये है आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है उसमें को हम कंपोनेंट्स के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम कुछ सिंबल्स से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सिंबल्स किस किस के कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, तो पूरी टेबल अभी बनाते हैं हम इसमें। तो सिंबल्स आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सेल का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल क्या है, बैटरी का क्या है, ओपन की का क्या है, क्लोज की का क्या है, तो सिंबल्स आपको नोट करने हैं। तो अभी ये आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ओके ये कुछ सिंबल्स हमने बनाए हैं जो इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं सर्किट्स के अंदर। तो इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे सेल का ये सिंबल हो गया, बैटरी का ये, अब ये बैटरी जो है इसमें ये कितने सेल की है, सिंगल सेल का आपके पास ये सिंबल है, और यहाँ पर एक दो तीन, तो तीन सेल की बैटरी है। इस तरह की जितने सेल की बैटरी होती है, चार की अगर बनाएंगे तो हम एक और बड़ा बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, कनेक्टिंग वायर सीधी एक आपके पास लाइन, कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर आपस में ज्वाइंट है, स्विच ओपन
स्विच क्लोज, टैपिंग की, एमीटर, मिली एमीटर, कनेक्टिंग वायर, नॉट ज्वाइन, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को जुड़ी हुई नहीं है, रेजिस्टेंस फिक्स, रेजिस्टेंस वेरिएबल, रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम चेंज करा सकते हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर करता है, कम करंट को मेजर करता है, बल्ब और ये फ्यूज। तो ये 17 सिंबल्स हमारे पास। और यहाँ जो आपके पास एक दो सिंबल और है, जैसे कई बार क्या होता है कि सर्किट में जो ओपन की या क्लोज की, ओपन की जो है हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और क्लोज की को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये भी सिंबल है आपके पास, दो सिंबल और, अगर आप इसको इसमें बना सकते हो, स्विच ओपन स्विच क्लोज में, या फिर ओपन की क्लोज की। तो ये सिंबल्स है, इन सिंबल्स को आपको बनाना है नोटबुक में और याद रखने सिंबल्स ये, क्योंकि सर्किट में यूज होते हैं ये। हमारे पास सर्किट ड्रॉ करना आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कीजिएगा जिसके अंदर बल्ब है, एक फ्यूज है, 5 सेल की बैटरी लगी हुई है, तो इन सिंबल्स के हेल्प से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, इसको नोट कीजिएगा।